नवभारत टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व है। हमारे ग्रंथों में इसे बहुत ही पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी की उत्पत्ति देवी वृंदा की राख से हुई थी। देवी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। देवी वृंदा माता लक्ष्मी के ही समान भगवान विष्णु की प्रिया है और ऐसा माना जाता है कि जब तक तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित नहीं की जाती तब तक वह प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको तुलसी के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी पत्ते के बिना श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में तुलसी के पौधे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी दल का भोग हनुमान जी को भी अति प्रिय है। जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी सही ढंग से देखरेख करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। गंगाजल और तुलसी के पत्तों को कभी भी बासी नहीं माना जाता और इसीलिए इनका इस्तेमाल पूजा में कभी भी किया जा सकता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही तुलसी की निरंतर पूजा करने से माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी का पौधा एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके सेवन से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसके साथ ही यह अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखता है, यानी जहां भी यह पौधा लगाया जाता है वहां आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही संक्रमण से बचाने में भी तुलसी सहायक है। हालांकि तुलसी के पत्तों को चबाने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें मौजूद पारा आपके दांतों को खराब कर सकता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में स्थापित करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे तुलसी के पत्ते कभी भी रविवार, एकादशी और चंद्र ग्रहण के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें, यानी नहाने के बाद ही पत्तों को तोड़ें। तुलसी के पौधे के आसपास कूड़ा करकट न रखें। इसके साथ ही प्रतिदिन तुलसी का पूजन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।